हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फटाफट मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सब कैसे हैं। अगर ठीक है तो मुझे फटाफट कमेंट में बताइए। मोरओवर आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगने के साथ साथ आपके साथ बहुत सी बातें करनी है क्योंकि मुझे आपको न्यू चैनल के बारे में अपडेट देना है। तो लेट गेट स्टार्ट की बोर्ड नया चैनल विक्रम सिंह मेरे ब्रदर के नाम से चैनल है। उस चैनल को मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि आप उसमें कौन से ब्लॉग देखेंगे, वहाँ पे भी ब्लॉग अपलोड होगा, बहुत मज़ा आएगा आप सभी को। अपार्ट फ्रॉम दिस, काफ़ी लंबे टाइम से 1 वीक के अराउंड में जो है वो ट्रैवलिंग जर्नी में थी, तो मैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई। मैं आपके साथ न्यू कौन सी अमेजिंग लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ जिसमें आपको भी मज़ा आएगा, एज वेल एज हम उसमें बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ चेंज करेंगे। जी हाँ, मैं चेंज की बात कर रही हूँ। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमेजिंग होगा, सो स्टे ट्यून्ड। और आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ऐसा पुलाव जो आप भी अपने घर में तो बहुत तरह तरह के बनाते होंगे, लेकिन जो तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, पूरी कंप्लीट लंच थाली जिसको मेरी दादी जी ने भी खाया और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, आखिर दादी ने क्या कुछ कहा, वो सब सुनने के लिए आप बने रहिए वीडियो के एंड में। मोरओवर चैनल पर नए हो तो जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी ब्लेसिंग से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोअर्स भी 500 के अराउंड हो चुके हैं, ये सब आपकी ब्लेसिंग से हो चुके हैं। फेसबुक पेज को भी जरूर अभी फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना। मोरओवर यूट्यूब पे तो आप हमारे साथ हमेशा ही बने हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड और लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। बहुत अमेजिंग वीडियो, एंड तक देखने के बाद मुझे बताइए जरूर कि आपको कैसा लगा। भाई स्वाद की दुनिया में ना आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ रहा है ना मुंह में पानी, जितना आपके मुंह में पानी आ रहा है ना उतने टेस्टी के खाना था। भाई जिसने खाया होगा ये तो उनको ही पता होगा। लेट गेट स्टार्टेड कि आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सारी सब्जियाँ बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने डिटेल्ड रेसिपी जो आपसे शेयर की है पुलाव की, क्योंकि मैंने सिर्फ पुलाव ही बनाया। यहाँ पर पनीर, आलू, हरी बीन्स, मटर्स को मैंने छोटा छोटा कट करके ले लिया है। ये कम से कम आई थिंक 1/4 कप जो होगा या 1/4 कटोरी कह सकते हैं वो है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, एक हरी मिर्च और यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 टमाटर और यहाँ पर साइड बाय साइड बन रहा था हरा कद्दू, पेठा जिसको बोलते हैं। ये मम्मा तड़का लेकर आके गए थे और ये बिना प्याज के था। यहाँ पे सब्जियों को कटने के बाद मैंने साथ साथ में आटा गूंदा। आटा गूंदने के लिए यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं जब भी आटा गूंदती हूँ तेल डालकर गूंदती हूँ ताकि आटे में थोड़ा सी सॉफ्टनेस बनी रहे, एज वेल एज यहाँ पे जब तक आटा गूंदा तब तक ये जो है पेठा बनकर रेडी हो गया। मैंने बिना दही वाला पहले अलग से निकाल लिया, यहाँ पे दही वाला पेठा वाला दही वाली कद्दू की सब्जी बनकर रेडी होगी। आटा भी गूंद गया। अब आटे के बाद मुड़ते हैं हमारी मेन रेसिपी की तरफ, जो कि मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। तो वीडियो का कोई भी पार्ट ना स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको मुँह में ना सच में बहुत पानी आने वाला है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ा आया खा के। भाई बहुत से लोग कहते हैं अपने हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे मज़ा आता है मेरे हाथ के खाने का। लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे इंडक्शन पे मैंने रख दिया है कुकर और यहाँ पे तेज आंच पे, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच से ज़्यादा 3 के चम्मच के अराउंड जो है वो मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। और यहाँ पे ऑयल को गर्म होने देंगे, हम अपने खाने में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। मटर हमने फ्रोज़न लिए थे और ये सभी चीज़ों को मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख लिया। और धीरे धीरे सबसे पहले डालेंगे तेल गर्म होने पे मेथी, जीरा वगैरह सारा कुछ सेम मसाले जैसे डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/4 से थोड़ी सी कम जो मेथी ली है, मेथी के थोड़ा रेड होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियाँ, आपकी मर्ज़ी, लहसुन आप चाहते हो तो डाल सकते, नहीं तो लहसुन आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो लहसुन उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होती है, प्लस इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसीलिए मेरे को लहसुन जो है वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने कट करके ही छोटा छोटा बारीक कटा हुआ लहसुन ही लिया है और लहसुन डालने के बाद बारी बारी करके सारे के सारे जितने भी चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा रेड होने के बाद यहाँ पर मैंने लहसुन को ऐडअप कर दिया है और जैसे लहसुन लाल होगा इसके बाद ऐड करेंगे इसमें ग्रीन चिली, जो कि मैंने आपको बताया मैंने एक बड़ी ग्रीन चिली ली है, घर की है, आपकी मर्ज़ी। आप ग्रीन चिली भी अगर पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। एज वेल एज इसके बाद मैंने यहाँ पे चॉप्ड अनियन ऐड अप कर दिया है, अब हल्का ब्राउन होने तक इसको भी भूनेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप जो ये है कि जितना अच्छे से हमारा लहसुन प्याज जो है वो भुनेगा ना उतना ही टेस्ट हमारे पुलाव में आएगा। और इसके बाद टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर आपको पता है जब हम नमक डालते हैं तो उसके बाद काफ़ी सॉफ्ट आ जाता है, थोड़ा हल्का भुनने के बाद जो है वो हम बाकी के स्पाइसेस वगैरह ऐड अप करेंगे जिसमें
में आपको पता है नॉर्मल जो हम अपने घरों में तड़के में यूज़ करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के अराउंड जो है वो मैं स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे नमक जो है वो कम लेते हैं। और इसके बाद हल्दी पाउडर मैंने डाला है, थोड़ा सा रेड पाउडर भी मैंने डाला है, चिली वाला नहीं है, और साथ में धनिया पाउडर 1.5 चम्मच के अराउंड, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है टेस्ट के लिए। और थोड़ा सा कम ज़्यादा करने के बाद आपको पता ही है थोड़ी आदत हमें होती है, तो ये मैंने सारा का सारा जो है वो स्पाइसेस को ऐड अप कर दिया। अब हम इनको थोड़ा सा भूनेंगे, मतलब कहने का मतलब है हमारी ना लोकल लैंग्वेज में कहते हैं राड़ा लगाएंगे। अब ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएगा, टमाटर तेल छोड़ देंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे सारी वेजिटेबल्स को किस तरीके से, कुछ ऐसी स्टेज पर जो है वो जब तड़का हमारा बन जाएगा तो स्टेज पर हम धीरे धीरे जो है वो वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। तो आप देखते रहिएगा वीडियो के एंड तक और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कैसे बनाते हैं। ऑयल छोड़ने के बाद अब हम ऐड अप करेंगे सारी सब्जियां, थोड़े से आलू और फ्रोज़न मटर, ये सब हम ऐड कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप इस टाइम पे पनीर को ऐड करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे जो है वो फ्राइड पनीर जो है वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको साथ में ही रोस्ट कर रही हूँ, सब्जियों के साथ ही पकाऊंगी। आप चाहें तो चावल के टाइम में या पानी डालने के बाद भी पनीर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे देखते जाइए, जब ये सारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, तो हम डालेंगे इसमें चावल। चावल ऐड करने के बाद उनको भी थोड़ा सा राड़ा लगाएंगे। क्या होता है राड़ा? राड़ा होता है जब सारी सब्जियाँ जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए और हल्का हल्का तेल छोड़ना स्टार्ट कर दें तड़के के साथ मिक्स होके, तो उसको हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड राड़ा इन हिमाचली लैंग्वेज। तो यस, नाउ इट्स टर्न ऑफ राइस। अब चावल जाएंगे हमारे पुलाव बनने में। वही अब सब्जियां काफ़ी अच्छे से जो है वो मिक्सअप हो चुकी हैं। इस स्टेज पे हम ऐड अप करेंगे चावल। मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर 2 गिलास चावल लिया है, मेरे ख्याल से शायद 1/2 किलो के अराउंड चावल होंगे ये, और जो पानी है वो डबल रेशो लिया है, मतलब कि इसमें 4 गिलास पानी। 2 गिलास चावल हम बना रहे हैं तो 4 गिलास पानी, और हल्के अगर आप सॉफ्ट खाते हैं तो हल्का थोड़ा सा 1/4 पानी कप जो है वो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं पानी का, क्योंकि मुझे जो है वो सॉफ्टनेस पसंद है। कई लोगों को टाइट चावल पसंद है, लेकिन मुझे सॉफ्टनेस चावल पसंद है। और आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से जो है वो मॉइस्चर आपको चाहिए राइस में, उसके अकॉर्डिंग आप पानी की रेशो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सॉफ्ट वाले पुलाव बनाने का जो तरीका वो यही है। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से बड़े तरीके से चावलों को सब्जी में मिक्स करेंगे और चावलों को भी लगाएंगे राड़ा। तो फिर आपको बताती हूँ कि पानी कब कैसे एडअप करना है। यहाँ पे पकने देंगे चावलों को, अच्छे से मिक्स होने देंगे सारी सब्जियों में, ताकि चावलों में पूरी तरह से अच्छा कलर आ जाए, और फिर देखेंगे हमारा पुलाव कितना टेस्टी बना होगा। देखिए स्टेज पे चावल पूरी तरह से मिक्सअप हो चुके हैं और सब्जियां चावल जो वो हल्का हल्का ऑयल छोड़ने स्टार्ट हो गए। इस स्टेज पे हम थोड़ी देर मिक्स करेंगे फिर से तरीके से, और हम ऐड अप करेंगे पानी। तो देखिए कितना पानी कैसे ऐड करना है। यहाँ पे मैंने पूरा पानी मेजर करके ले लिया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने 4 गिलास जो है वो पानी ले लिया। मैंने पानी गर्म कर लिया था एक साइड पे इंडक्शन पे पहले ही। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे जो है वो पानी मिक्स करेंगे हमारे वेजिटेबल और राइस में, और यहाँ पर हम कंप्लीट 2 विसल देंगे, और तीसरी विसल के आते ही बिल्कुल बंद करेंगे, और हम बिल्कुल भी जो है प्रेशर कुकर से खुद एयर नहीं निकालेंगे, अपने आप इन्हें पकने देंगे और अपने आप ही जो है वो एयर प्रेशर निकलने देंगे। सो See you. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे लास्ट मैंने हल्का सा घी ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी, आप घी में तड़का भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी घी डालना स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा खाना बनकर रेडी हो चुका था और मैं खाना लेके जा रही हूँ मेरी दादी को टेस्ट कराने के लिए। कुछ इस तरीके से मेरा पुलाव बना था। यहाँ पर सारी सब्जियाँ, माँ की सब्जी और बीन्स, चपाती, और यहाँ पर सारा कुछ आपको दादी बताएगी कैसा बना है। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? आटे वाले हथे खाई लड़ी हाँ तोते ना
हाँ तो तोते हाथ अच्छा पहला मिनू दसा खरे लग गए चौल कदे बने हां बड़े चाल बड़े है खरे कुड़ी तू जिदा चौल खरे बनांदी अच्छा अच्छा अम्मा तू हां ता कल माचले दा के छलिए रोटी ही बनाई है ना बड़ी स्वाद है तू छलिए रोटी देनी है ना अच्छा मैं बना चलिए रोटी अच्छा अच्छा खाई लिया था मैं तुम्हारे फेवरेट मां सब कुछ ही पाए मैं तुम जो खाई लेना अच्छा ठीक है तो मिलते ना अम्मा अगली वीडियो भी बनानी है अगली वीडियो भी बनानी है ठीक है ओके अम्मा बाय बाय। आजकल स्पेशली गर्मी में क्या होता है कि हम सोचते हैं खाना बनाते और बस निकलो, लेकिन नहीं, आपको आफ्टर केयर किचन की ज़रूर करनी है ताकि हम और हमारी फैमिली जो है वो बहुत सी बीमारियों से इन्फेक्शन से बचे। एज वेल एज मुझे बताइए ज़रूर आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में अपनी ब्लेसिंग्स देना और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स लव, जो कुछ भी आपने हमेशा आज तक हम पे शावर आउट किया। हमारे नए चैनल बिक्रम सिंह यूट्यूब चैनल पर भी अपनी ब्लेसिंग्स देना और अपना प्यार अपना भरोसा ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे एक और खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।